नमस्कार आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप मैं हूं आर आर एनटीपीसी और ग्रुप डी का मामला जो है वो जंगल की आग की तरह पूरे बिहार में फैलता जा रहा है आपको बता दें कि कल राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर आठ नौ घंटे का घेराव किया गया छात्रों के द्वारा ट्रेनें नहीं चलने दी गई तो वही आपको बताते चले कि आरा में और आज आ, बिहार शरीफ फिर से गया में मुजफ्फरपुर और अभी आप विजुअल देखिए नवादा का जहाँ हजारों की संख्या में छात्र रेलवे स्टेशन को घेर कर बैठे हैं कई घंटों से बैठे हैं और यहाँ भी हटने का नाम नहीं ले रहे हैं तो आपको बताएं कि इसके साथ ही साथ पटना के पटना सिटी रेलवे स्टेशन पर भी छात्रों के द्वारा आज प्रदर्शन किया गया तो आपको बताते चले कि लगातार जो है वो आरआरबी को लेकर छात्रों में आक्रोश बढ़ते ही जा रहा है और हम लगातार खबरें भी दिखा रहे हैं हमारा खबर दिखाने का मकसद यही है कि छात्रों में नाराज़गी बहुत ज़्यादा है चाहे वो एन एग्ज़ाम को लेकर हो या फिर ग्रुप डी में उसके प्रारूप में परिवर्तन को लेकर हो मेंस जोड़ दिया गया है सी बी टू जोड़ दिया गया है परीक्षा शुरू होने से एक महीने पहले छात्रों का कहना था कि विज्ञापन में क्या आखिर क्या इतना बड़ा फे बड़ा फेरबदल हो सकता है कि एग्जाम के फॉर्म फिलअप होने के लगभग तीन साल बाद से फिर से एक नोटिस जारी करके मेंस जोड़ा जा रहा है और छात्रों का का यही मानना है कि सरकार इनकी भर्ती प्रक्रिया को लटकाना चाहती है रेलवे बोर्ड लटकाना चाहती है और यही कारण है कि इसमें परीक्षा शुरू होने से एक महीने पहले मेंस को इंट्रोड्यूस किया जा रहा है आपको बता दें कि एन को लेकर चौदह जनवरी को रिजल्ट आया उसके बाद से ही छात्रों में नाराजगी थी गुस्सा था ट्विटर पर ट्रेंड कराया गया कोई उसके बाद रेलवे के द्वारा एक्शन नहीं लिया गया लेकिन अंततः 21 तारीख को अंतिम ट्विटर ट्रेंड कराया गया जिसमें जो उनका हैशटैग था वही ब्लॉक कर दिया गया था उसके बाद एकाएक से छात्र जो हैं वो आक्रोशित होते हैं पटना में और राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन पर चले आते हैं और इसका देखा देखी ही पूरा बिहार में छात्र जो हैं वो विभिन्न भी रेलवे स्टेशन पर आके अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और रेलवे को रेलवे भर्ती बोर्ड को ये आग्रह कर रहे हैं कि वो अपने जो नियम बनाया है और जिस नियम के शिकार हुए हैं एनटीपीसी के छात्र और जिस नियम के कारण ग्रुप डी का एग्जाम जो है इसकी प्रक्रिया को मुश्किल बनाया जा रहा है उससे निजात दिलाया जाए छात्रों के पक्ष में निर्णय लिया जाए एनटीपीसी का रिवाइज्ड रिजल्ट दिया जाए और ग्रुप डी से मेंस को वापस किया जाए ऐसा कहना है छात्रों का और नवादा में आप देख सकते हैं ये भीड़ देखिए नवादा में कितना ज़्यादा भीड़ है छात्र हजारों हज़ार की संख्या में रेलवे स्टेशन पर आके बैठे हुए हैं आरपीएफ के कर्मचारी अधिकारी और आपको बता दें कि जिला प्रशासन के अधिकारी लगातार उनसे बात कर रहे हैं समझाने बुझाने की कोशिश की जा रही है बावजूद इसके छात्र हटने को तैयार नहीं है तो वही पटना के पटना सिटी में भी छात्रों ने अपना विरोध जाहिर किया और रेलवे स्टेशन पर आकर ट्रेनें रोकी तो लगातार जो हैं वो बिहार के विभिन्न जगहों से खबरें आ रही हैं अभी आप यहाँ आपने बताया था कि पटना सचिवालय हाल्ट पर भी साठ सत्तर लड़के बैठ पहुँचे हुए थे लेकिन उनको वहाँ से हटा दिया गया है आरपीएफ की टीम आई और उनको हटा दी उनको वहाँ से अलग कर दिया गया है तो देखने वाली बात है कि क्या इस पर फैसला होता है लेकिन आर को ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा कि आखिर इस विवाद को सॉल्व किया जाए आपको बता दें कि विवाद सॉल्व नहीं होता है तो अगले कुछ दिनों तक भी संभावनाएं हैं कि इस तरह विरोध प्रदर्शन चलते रहे क्योंकि छात्र आपको बताएं कि वो काफ़ी आंदोलित हो चुके हैं ग्रुप डी में जब से ये प्रोविज़न डाला गया कि मेंस भी होगा तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें धन्यवाद